स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल SYJ कॉम्प्लेक्स चारमीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। प्रोग्राम बादशाह वक्त के नए एपिसोड में देखिए कर्नाटक के मुसलमानों के मसीहा यूसुफ बिन ताशफीन की जिंदगी की दास्तान। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए। आइए अब देखते हैं 17 मई की 25 अहम खबरें। भारत ने मस्जिद अक्सा में रोजादार फलस्तीनियों पर फायरिंग और गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए फलस्तीनियों का किया सपोर्ट। इसराइल पर हमास के रॉकेट हमलों को भी बताया काबिल मजम्मत। इसराइल में यहूदियों का अहम त्यौहार शाउत मातम में तब्दील। यहूदी त्यौहार के दौरान इमारत में स्टेज टूट गया, सैकड़ों इबादत गुजार थे मौके पर मौजूद। फिलहाल 2 यहूदियों की मौत की खबर, 160 से ज्यादा हुए जख्मी। इसराइल ने गजा पर आज फिर किए ताज़ा हमले। फलस्तीनी महलुकीन की तादाद 200 से हुई जायद, 58 बच्चे भी महलुकीन में शामिल। इसराइल ने कहा गजा में 1500 टारगेट पर किए गए हमले। वहशियाना इसराइली हमलों के दौरान हमास के रॉकेट हमलों से इसराइल में खौफ। लुद एयरपोर्ट के बाद अब पूरे इसराइल से रोक दी गई इंटरनेशनल फ्लाइट्स। गजा पर हमलों के एक हफ्ते बाद अरब और मुस्लिम कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन OIC ने मीटिंग करते हुए सिर्फ इसराइली जारहियत की मजम्मत की और इंटरनेशनल कम्यूनिटी से किया मुतालबा, खुद से आगे बढ़कर गजा की मदद करने में दिखाई बेबसी। OIC के इजलास में ईरान और तुर्की ने अरब कंट्रीज पर किया तंज, कहा इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने का ये है नतीजा। पाकिस्तान ने कहा यह तारीखी लम्हा है, हमें फलस्तीनियों के हक में एकजुट होना है जरूरी। अफगानिस्तान में ईद के मौके पर 3 दिनों तक सीज फायर हो गए खत्म। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पें दोबारा हुई शुरू, दोनों ने किया हलाकतों का दावा। सऊदी अरब से इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुल गए, COVID-19 की दोनों या एक वैक्सीन लेने वालों को ही सफर करने की है इजाजत। भारत के शहरियों पर लगाई गई पाबंदी से मुतालिक नई गाइडलाइंस अभी नहीं हुई जारी। तुर्की में लॉकडाउन हुआ खत्म, आम जिंदगी दोबारा पटरी पर दौड़ने लगी। 17 दिनों के लॉकडाउन से कोरोना केसेज में आई काफी कमी, आवाम का रहा भरपूर साथ। कोरोना पेशेंट्स को पानी में घोलकर पिलाई जाने वाली DRDO की ड्रग 2G को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया लॉन्च। कोरोना से तेजी से रिकवर करने और ऑक्सीजन पर इन्हेसार कम करने में है मददगार। आज भी राहत की खबर, भारत में कोरोना के केसेस में आ रही है कमी। 21 अप्रैल के बाद पहली मरतबा 3 लाख से कम केसेस किए गए दर्ज, महाराष्ट्र में भी केसेस में आई कमी। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा एक और झटका, वैक्सीन की कमी पर मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने वालों पर दर्ज की गई FIR को कैंसिल करने के सुप्रीम कोर्ट ने दिए अहकाम, कहा सवाल उठाने का है शहरियों को हक। असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर तन, साइंसदानों की एडवाइजर कमेटी से मशहूर वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील के रिजाइन करने पर कहा हम PM मोदी की साइंसी समझ की चुका रहे हैं कीमत। राहुल गांधी ने PM केयर फंड के तहत मिले वेंटिलेटर्स और PM मोदी दोनों को बताया फेल, कहा दोनों में यकसानियत, हद से ज्यादा झूठा एडवर्टाइजमेंट, अपना काम करने में फेल, जरूरत के वक्त दोनों को ढूंढना मुश्किल। कभी BJP में मिनिस्टर रहे यशवंत सिन्हा ने किया PM मोदी पर हमला, भारतीय शहरियों को टीका लगाने से ज्यादा फॉरन टीके भेजने का वीडियो बतौर सबूत ट्विटर पर किया शेयर। इंटरनेशनल मीडिया में भारत की इमेज खराब करने वाले BJP लीडरों के बयानात का सिलसिला जारी, अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा गौमूत्र पीने से नहीं होता लंग इन्फेक्शन। ममता बनर्जी के 2 मिनिस्टर्स को स्टिंग ऑपरेशन की बुनियाद पर CBI ने किया अरेस्ट, तो ममता पहुंची CBI ऑफिस, कहा मुझे भी करो अरेस्ट। CBI ऑफिस के बाहर हजारों हामियों के साथ धरने पर बैठी ममता, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। CBI की जानिब से ममता के मिनिस्टर्स की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा अचानक 2021 में गिरफ्तारी क्यों, क्या बदले के लिए। साइक्लोन तोक्ते ने महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में मचाया कहर, तेज हवाओं और शदीद बारिश से कर्नाटक में 8 लोगों की मौत की खबर, गुजरात में साइक्लोन से बड़ी तबाही का खतरा। तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान पुलिस के रोल की हाई कोर्ट ने की सताइश, फ्यूचर में इसी तरह काम करने की दी तजवीज, प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कंप्लेन का जायजा लेने के लिए टास्क फोर्स कायम करने की दी हिदायत। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने लॉकडाउन लगाने पर कहा हमें है अफसोस लेकिन ये था जरूरी, सिवाय मेडिकल और परमिशन वाली शॉप्स को ही लॉकडाउन के दौरान खुली रखने की है इजाजत।
जीएचएमसी मेयर मिनिस्टर तलसानी और होम मिनिस्टर महमूद अली की सदारत में हुई अहम मीटिंग। अपोजिशन लीडरों को तलसानी श्रीनिवास यादव की एडवाइस, मदद करना है तो करो वरना घर में बैठे रहो। बॉर्डर पर एम्बुलेंस रोकने को बताया, खाली बेड्स पर हमारे शहरियों की है तरजीह। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पुवाड़ा अजय कुमार ने प्राइवेट अस्पतालों को दी वार्निंग, कहा कोरोना पेशेंट के इलाज में लापरवाही पर लिया जाएगा एक्शन। मरीजों से मुलाकात करते हुए दी जल्द सेहतयाब होने की तसल्ली। तेलंगाना भर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल जारी, हैदराबाद आरमोर समेत कई शहरों में सख्त व्हीकल चेकिंग। आवाम को घरों में ही रहने का मशवरा, बिना जरूरत बाहर घूमने वालों पर किए गए चालान। कोरोना वबा के दौर में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के सत्तन्नापल्ली टाउन के मुस्लिम नौजवानों की हर कोई कर रहा है तारीफ। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, हर मजहब के कोरोना से फौत होने वाले अपराध की कर रहे हैं ये मुस्लिम नौजवान आखिरी रसूमात। ये थी 17 मई की 25 अहम खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए बीपीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करता है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चारमीनार।